सो स्पेक्ट्रम से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. डेविएशन प्रोड्यूस बाय ट्राइंगुलर प्रिज्म. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पी क्यू, इफ यू सी हियर, सो यहां पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पी क्यू है, व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इट विल बिकम पैरेलल टू द बेस, नॉट पैरेलल, बेसिकली इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस. एंड अगेन इस वाले सरफेस के लिए ये हमारा नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. तो ये एंगल हो गया हमारा डेल्टा वन है, ये डेल्टा टू है. सो व्हेन अ रे पी क्यू ऑफ सिंगल कलर enters a triangular prism ABC, it gets deviated So it gets deviated, say by an angle delta 1 towards the base BC of the first surface AB of the prism and travels straight as QR inside the prism. So prism ke andar ye jo ray hai QR ke form mein, it will bend and it will travel in a straight line along QR. The angle of deviation delta 1 depends on the angle of incidence and the refractive index of glass with respect to air. तो ये जो डेल्टा वन है दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस पे डिपेंड करेगा. नाउ ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ए सी द रे क्यू आर गेट्स फर्दर डेविएटेड से बाय एन एंगल डेल्टा टू. तो इसको बेसिकली स्ट्रेट जाना था, है ना, ये स्ट्रेट ना जाके ये और फर्दर डेविएट हो जाएगा डेल्टा टू से. Towards the base BC and travels straight as RS. So yahan pe ye, it will travel straight as RS outside the prism. Now the angle of deviation. So angle of deviation delta 2 depends on the angle of incidence at the second surface. So angle of incidence at the second surface is this. So ye hamara R1 hota hai aur ye hamara R2 hota hai. So R2 pe depend karega angle of deviation. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकेंड सर्फेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. फॉर द इमर्जेंट रे आर एस द टोटल डेविएशन डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे पी क्यू. सो ये जो है ये इंसिडेंट रे पी क्यू से टोटल डेविएशन डेल्टा है. तो वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू. इन दोनों जगहों पर जो डेविएशन हुआ है उन दोनों को एड कर देंगे तो हमें टोटल डेविएशन पता चल जाएगा. द टोटल एंगल, सो डेल्टा इज इक्वल टू द नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन एट ईच ऑफ द सर्फेसेस, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच ऑफ द सर्फेसेस. द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा दस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स. तो देखो डेल्टा वन और डेल्टा टू का सम है, तो डेल्टा वन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और डेल्टा टू डिपेंड करता है फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस एट द सेकेंड सर्फेस पे. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पे डिपेंडेंट है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू, राइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द कलर और वेवलेंथ lambda of the light used. So the angle of deviation depends also on the color or wavelength lambda of the incident light. Now dependence of
Now, dependence of deviation on the color of light or wavelength of light. So the light of different colors have same speed in air, but different speeds in the medium. So if the light entering the prism is not of a single color, that is, it is a mixture of several colors, then the emergent beam also has different colors arranged in definite order. Now, it is because the speed of light in a transparent medium decreases with decrease in the wavelength of light, therefore refractive index of glass increases with decrease in wavelength. तो इसीलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बेंड करता है इसीलिए, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा रेड लाइट के लिए, और इसीलिए सबसे कम बेंड करता है. देयरफॉर द डेविएशन कॉज्ड बाय अ प्रिज्म आल्सो इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, है ना. सो डेविएशन विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. So in visible light, violet color is deviated the most, and red color, whose wavelength is 8000 angstrom, is deviated the least, because in glass, the speed of violet light is least and that of red light is most. Now, dispersion of white light through a prism and formation of spectrum. So Newton's experiment, Newton allowed the white light from the sun to a dark room, okay, through a small aperture in a window, and placed a glass prism in the path of the light ray. The light emerging out of the prism was received. The light emerging out of the prism was received on a white screen. On the screen, a colored patch like a rainbow, as shown in figure, was obtained, which was termed as spectrum. So starting from the side of base of the prism, the order of the colors in the spectrum on the screen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This order of colors in the spectrum can easily be remembered by the word vibgyor. So V stands for violet, I stands for indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So from the above experiment, Newton concluded that white light consists of 7 prominent colors, each color corresponding to a small range of wavelength. Thus, white light is a mixture of large number of wavelength, that is, it is polychromatic in nature. So ये जो स्पेक्ट्रम में डिवाइड होता है, इससे ये पता चलता है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट इज बीइंग स्प्लिट इनटू ऑल दीज 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन. एंड On passing white light through a prism, the band of colors seen on a screen is called the spectrum. Now, cause of dispersion of white light and formation of spectrum. The cause of dispersion of white light is the change in speed of light with wavelength. So, because wavelength ke hisab se there will be a change in speed of light. So, this is the main cause of dispersion, right? So, when white light enters the first surface of a prism, light of different colors due to their different speed in glass get deviated through different angles towards the base of the prism. That is, the dispersion of or splitting of white light into its constituent colors take place at the first surface of prism. The violet color is deviated the most, while the red color is deviated the least. Therefore, light of different colors present in white light follows different path inside the glass prism and then strikes the second surface of prism. On the second surface of prism, only refraction takes place from glass to air, and different colors are deviated through different angles. That is, violet is deviated the most and red the least. Note that the dispersion of white light
occurs only at first surface of prism. Deviation of light rays occurs at both the surfaces of prism. The prism does not produce color, but it only splits the various colors present in the light incident on it. So basically, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता, बट जो कलर्स ऑलरेडी व्हाइट लाइट में है उसको सेपरेट आउट कर देता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन. So electromagnetic spectrum and its broad classification. So electromagnetic spectrum, the part of spectrum beyond the red and the violet extreme is called the invisible spectrum. The waves of wavelength longer than the red part of the visible spectrum in increasing order of wavelength are infrared radiations, and then we have microwaves, then we have radio waves, while the waves of wavelength shorter then the violet part of the visible spectrum in decreasing order of wavelength are ultraviolet rays, X-rays, and gamma rays, right? So these radiations together with together forms the electromagnetic spectrum. The complete electromagnetic spectrum, right? The complete electromagnetic spectrum in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies is given below. First is gamma rays, then X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, microwaves, and radio waves. These electromagnetic waves are of different wavelength, but they have properties similar to light waves. Each wave travels with same speed equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum or air. The speed C, frequency F, and wavelength lambda of the electromagnetic waves are related as C is equal to F into lambda. So, ye hamara pura wo spectrum hai. So, gamma rays, X-rays, ultraviolet, for visible, infrared, microwave, or radio waves. Wavelength increase kara 10 to the power minus 2, fir 10, 400, 800, 10 to the power 6, 10 to the power 10. So, ye values wavelength ka bhi और फ्रीक्वेंसी का भी, ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ये ऑर्डर याद होना चाहिए. तो ये तुम्हारे बुक का ही टेबल है बेसिकली. सो नेम ऑफ द वेव इज गामा रेज. सो वेवलेंथ इन नैनोमीटर दे रखा है, रेंज बेसिकली. डिस्कवरर किसने डिस्कवर किया था, क्या सोर्स है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, मतलब उस पर्टिकुलर वेव का, और मेथड ऑफ डिटेक्शन कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं. सो गामा रेज बिलो 0.01 इसका वेवलेंथ है नैनोमीटर में. डिस्कवरर बेक्वेरल और क्यूरी है. इन कॉस्मिक रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यू टू कॉस्मिक रेज फ्रॉम द कॉस्मिक रेज थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बाय देयर लार्ज. सो मेथड ऑफ डिटेक्शन इज बाय देयर लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर. नाउ एक्सरेज का जो वेवलेंथ है 0.01 टू 10 नैनोमीटर, रोइंजन ने डिस्कवर किया था फ्रॉम अ हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय इट, देन दिस रेज आर दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड. मेथड ऑफ डिटेक्शन बाय द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, द फोटोग्राफिक फिल्म गेट्स अफेक्टेड. अल्ट्रावायलेट जो वेव है, वेवलेंथ 10 to 400 नैनोमीटर है. डिस्कवरर रिटर है.
or source, sunlight, arc lamp, spark. So by their chemical activity or dyes, photographic plates get affected. It causes fluorescence. Now visible light 400 to 800 हो गया वेवलेंथ इन नैनोमीटर. न्यूटन ने डिस्कवर किया था सनलाइट, लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम, वाइट हॉट बॉडीज और मेथड ऑफ डिटेक्शन. अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस. इंफ्रारेड वेव्स 800 टू 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर है इसका वेवलेंथ. हर्शल ने डिस्कवर किया था लैम्प एंड थोरिएटेड फिलामेंट. हीटेड सिलिकन कार्बाइड रॉड, रेड हॉट बॉडीज, ये सब से यू नो दीज आर द सोर्स. और मेथड ऑफ डिटेक्शन, हीटिंग इफेक्ट इज मोर. द मर्करी राइजेज रैपिडली व्हेन अ थर्मोमीटर विद अ ब्लैकेंड बल्ब इज केप्ट इन दीज रेडिएशंस. माइक्रोवेव्स इसका वेवलेंथ 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 10 नैनोमीटर है. हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था. सोर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स. मेथड ऑफ डिटेक्शन, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट. रेडियो वेव्स अबव 10 टू द पावर 10 वेवलेंथ इन नैनोमीटर है. डिस्कवरर मार्कोनी है. सोर्स टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर्स. मेथड ऑफ डिटेक्शन, एरियल्स ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स. नाउ प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, फर्स्ट. Second, they all travel with the same speed in a medium. Example, in vacuum or air, the speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. In glass, the speed is 2 into 10 to the power 8 meter per second and so on. So, the speed of light hota hai, wahi speed ye electromagnetic waves ka hai. They exhibit the properties of reflection and refraction. Jaise light mein hota hai, in refraction, when an electromagnetic wave passes from one medium to other, there is a change in its direction of travel, speed and wavelength, but its frequency remains unchanged. These waves are not deflected by the electric or magnetic fields. These waves are transverse in nature. So, ye sab electromagnetic waves ke properties ho gaye. Now, properties and uses of different radiations of electromagnetic spectrum. तो अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके यूजेस के बारे में. सो देखो बाकी सारी चीजें यहां पे हम लोगों ने लिख रखी हैं, तो बस यूजेस यहां पे मेंशनड है आपके यहां पे नोट्स में. पहला गामा रेज का अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यूज क्या है. They are used in medical science to kill cancer cells. So generally, gamma rays को हम लोग radiotherapy में use करते हैं. That is radiotherapy. And in industry to check welding, right? X-rays का uses, they are used for the detection of fracture in bones, teeth, etc. That is radiotherapy. That is radiotherapy, and for diagnostic purposes such as CAT scan in medical science. X-rays are also used for studying atomic arrangement in crystals as well as in complex molecules. X-rays are used by the detective agencies to detect the concealed precious metals. Ek second, bachcha.
सो यूजेस एक्सरेज का उन्होंने देख लिया था. नाउ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास. दीज रेडिएशंस ट्रेवल in a straight line with a speed of 3×10⁸ meter per second in air. They are usually scattered by dust particles present in the Earth's atmosphere. They obey the laws of reflection and refraction. They strongly affect the photographic plate as they are chemically more active than visible light. They produce fluorescence on striking a zinc sulfide screen. Now, harmful effects of ultraviolet radiation. The ultraviolet radiations have health hazards like skin cancer if human body is exposed to them for a long period. ठीक है, तो यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे वो आजकल वो क्रीम वगैरह भी आते हैं, और जो जनरली जो हम लोग सनग्लासेस खरीदते हैं वहां पे भी लिखा होता है यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है. यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. पहला स्टेरिलाइजिंग पर्पसेस, तो अभी आजकल ये बहुत हो रहा है कि uses of ultraviolet radiations kar rahe the. Ultraviolet radiations are used for the following purposes. First is for sterilizing purpose. To aajkal hum log jitne bhi jo equipments wagera jo surgery ke equipments hain ya fir doctors jo bhi equipments use karte hain wo sab ye sterilize jo karte hain wo UV radiations se hi sterilize karte hain. Purane zamane mein pehle wo garam pani mein hua karta tha, uske baad fir wo spirit wagera use karte the. अब जो है वो यूवी रेज का एक बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है, लाइट जलता रहता है, उसमें डाल देते हैं तो स्टेरिलाइज हो जाता है. इनफैक्ट जो ये कोरोना वायरस से जो हम लोग को कोई भी आता है तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए बेसिकली वहां पे भी आजकल यूवी रेज वाले वो रूम्स वगैरह होते हैं, या जो क्लोथ्स को पहले वहां पे डाल के और उसके बाद पहनते हैं, ऐसा भी काफी सारी चीजें हो रही है. Now, for detecting the purity of gems, eggs, ghee, etc., again UV radiations can be used in producing vitamin D in food of plants and animals. Ultraviolet radiation is used. Visible light is used in photography, in photosynthesis, and to see objects around us. Okay. So. Now, infrared radiations, so harmful effect of infrared radiations. A high dose of infrared radiations may cause skin burns, right? Or uses of infrared radiation, the infrared radiations are used for therapeutic purposes by doctors. So generally therapeutic purposes, matlab therapy, alag alag therapies hoti hain jisme hum log use karte hain. They are used in photography at night, also in mist and fog, because they are not much scattered. Red light सबसे कम scatter होता है, इसीलिए infrared radiations जो है हम लोग use करते हैं उसमें scattering सबसे कम होती है. तो generally तुम देखोगे कि night photography जब तुम रात में photo खींचोगे ना, तो एक red color का light जहाँ पर से flash आता है, वहाँ से एक red color की light आती है, ठीक है? तो वो उसके बाद फिर हम क्लिक करते हैं पिक्चर्स, तो पिक्चर्स जो है वो नाइट मोड में जब हम खींचते हैं तो वो रेड लाइट के साथ आता है, मतलब इंफ्रारेड लैंप के साथ आता है. इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन डार्क रूम्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ्स एज दे प्रोवाइड सम विजिबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द फोटोग्राफिक प्लेट.
they are used in as signals during the war, as they are not visible and they are not absorbed much in the medium. They are used in remote control of televisions and other gadgets. So generally, तुम देखोगे red color का एक bulb हमारे remote control में जलता है जब हम दबाते हैं, तो वो उससे जो infrared rays निकलता है जिससे कि channel वगैरह change होता है. आजकल तो Bluetooth वाला आ गया है ये सारे रिमोट कंट्रोल डिवाइस, बट पुराने जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उसमें देखोगे रेड कलर की लाइट जलती थी. माइक्रोवेव्स यूजेस, दे आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फॉर एनालिसिस ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फॉर कुकिंग इन माइक्रोवेव ओवन्स एंड रडार कम्युनिकेशन. सो इन सब जगह माइक्रोवेव्स यूज होती हैं. रेडियो वेव्स कहाँ कहाँ यूज होती है, दीज वेव्स आर यूज मेनली इन रडार कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन. Distinction between the ultraviolet, visible and infrared radiation. So ये भी book में है, आप directly वहाँ से कर सकते हैं. तो ये क्या है, they have ultraviolet radiations का wavelength का range जो है 100 angstrom से 4000 angstrom है, visible का wavelength 4000 से 8000 है, और infrared का 8000 से 10 to the power 7 है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनविजिबल है, विजिबल रेडिएशन विजिबल है, और इंफ्रारेड रेडिएशन भी इनविजिबल है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस नो हीटिंग इफेक्ट, विजिबल लाइट में स्लाइट हीटिंग इफेक्ट होगा और इंफ्रारेड रेडिएशन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट होगा. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है. विजिबल रेडिएशन दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, बट इंफ्रारेड रेडिएशन डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, विजिबल रेडिएशन दे डू नॉट कॉज फ्लोरेसेंस, and infrared radiation they do not cause fluorescence. Ultraviolet radiation causes health hazards like skin cancer. Visible radiation do not affect the body adversely, and infrared radiation they do not affect the body, but high dose may cause skin burns. Ultraviolet radiation can pass through quartz, but they do not pass through glass, they are absorbed by the glass. Visible radiation can pass through glass, they are not absorbed by glass. And infrared radiation, they can pass through rock salt, but they do not pass through glass. So they are absorbed by glass. Now, scattering of light and its application. सर ये सिलेबस में नहीं है. हट गया है ना ये सिलेबस से? पूरा ही ये पोर्शन हट गया? Yes, sir. ठीक है, इसको रिमूव ही कर देते हैं. ये तो इतना ही है. अब हम लोग अगली क्लास से इनफैक्ट पहला वाला जो यूनिट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, फोर्स और वर्क एनर्जी एंड पावर और मशीन्स, ठीक है. उसको एक बार कर लेंगे, उसके बाद फिर क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पे हम लोग फोकस करेंगे. पढ़ाई तो हम लोगों ने 3-4 बार कर ली है, तो ये नोट्स वगैरह सब हो जाएगा तुम्हारे पास, एंड देन वी कैन कीप ऑन यू नो डूइंग क्वेश्चंस एंड मोर ऑफ क्विजेस, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जाम्स. How you write the answers, we'll focus more on that. ठीक है? Sir, आप lens के numericals की worksheet भेज सकते हैं? वही तो मैं कह रहा था क्लास के शुरू में कि वो एक बार शुरू में ही मैंने भेजा था, दोबारा भेज दूँ वही? Sir, yes sir, I guess मिली नहीं. नहीं नहीं, शुरू में मतलब क्लास अभी नहीं, शुरू में बच्चे मतलब जब पढ़ा रहे थे पहले ना तब भी भेजा था. चलो मैं फिर से दोबारा भेज देता हूँ, देख लेना तुम एक बार, दोबारा कर लेना. Yes, sir. ठीक है. और कुछ चैप्टर्स के मुझे वो बनाने भी थे असाइनमेंट, तो वो किताब मैंने मंगवा लिया है, मैं उससे बनवा के फिर तुम्हें भेज दूंगा. ठीक है. जो के कुछ के तो वो है ना जिसमें पीछे लिखा होता है फिगर बेस्ड क्वेश्चंस और ये सब, तो वो वाले जो असाइनमेंट्स हैं वो हम बनवा देंगे इससे, तो वो तुम कर सकते हो. तुम लोग बुक मंगवाए क्या, जो दो बुक बताए थे तुम लोग को?
किसी ने ऑर्डर किया क्या मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस वाला और सैंपल पेपर्स का? हाँ ना, बता लो बालकों।